नमस्कार। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी हमारी प्यारी हिंदी भाषा। आज हिंदी दिवस है। हमारे देश की पहचान जो है वो हिंदी से है। हिंदी हमारी संस्कृति एवं संस्कार का प्रतिबिंब है। हिंदी हमारी एकता का प्रतीक है। हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कृषि विशेषज्ञों से और उनसे मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी से हमारे कृषक भाई बहन लाभान्वित होते हैं। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों द्वारा जल का सदुपयोग और पौधों में पोषक तत्वों की महत्वता पर। आप सभी जानते हैं कि कृषि में सिंचाई का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता नहीं होती है, ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा भी कृषक जो है वो अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, उच्च पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ये भी जरूरी है कि हमारी भूमि में पोषक तत्वों की कमी ना हो। पोषक तत्वों से ही उच्च पैदावार होती है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं और इस विषय पर जानकारी हर कृषक को, हर भाई बहन को होनी चाहिए। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वाई एस परमार, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी से। हमारे साथ हैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ये एग्रीकल्चर इंजीनियर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट में। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, जो कि साइंटिस्ट हैं, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट में कार्यरत है। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे बात की शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से हमने बात की कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के बारे में हमने बात की, तकनीकों के बारे में बात की, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिंचाई के बारे में तो हम जानते हैं कि जल देना, लेकिन जो ये शब्द है सूक्ष्म सिंचाई, इसका क्या अर्थ है और इसकी क्या पद्धतियाँ हैं? देखिए, सिंचाई में जनरल सबसे पहले तो हम ये कहते हैं जो परंपरागत हमारे जो तरीके हैं उसमें अब हम सतही जो सरफेस इरीगेशन बोलते हैं, सब सरफेस बोलते हैं, उसमें क्या है कि पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा व्यय होती है। तो जैसे कि आपने बताया कि जल की अनुपलब्धता की वजह से अगर मान लीजिए अधिक मात्रा में पानी की उपलब्धता नहीं है, तो उस स्थिति में हम सूक्ष्म सिंचाई में काफ़ी कम पानी की मात्रा, इसमें क्या होता है कि जो फसल और जो पौधा है उसकी जड़ में सीधा पानी दिया जाता है, जबकि जो परंपरागत तरीका है सिंचाई का उसमें हम पूरे खेत को गीला करते हैं। तो इसमें पूरे खेत को गीला करने की जरूरत नहीं है, जो भी जड़ है, और इसमें तीन तरह से हम दे सकते हैं। इसमें सतह पे भी दे सकते हैं, सतह के ऊपर से भी दे सकते हैं और सतह के नीचे से भी दे सकते हैं। तो ये इसके जो विभिन्न प्रकार हैं सूक्ष्म सिंचाई में, इसमें हम कह सकते हैं ड्रिप इरीगेशन, जिसको कि टपक सिंचाई, और मतलब ड्रिप इरीगेशन हो गया। दूसरा आपका इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर कह सकते हैं, मैक्रो स्प्रिंकलर कह सकते हैं, वो आपका सतह के ऊपर से देंगे, और ड्रिप सिंचाई में हम आपका सतह के साथ देंगे। इसमें तो इसमें पानी की कम मात्रा इसलिए एक तो ज़रूरत होती है कि पूरे खेत को इसको गीला करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पानी की जब उपलब्धता नहीं है तो उसमें हम ज़्यादा एरिया जो है, ज़्यादा फसल है, उसी पानी से हम ले सकते हैं। तो जैसे फूल है, अगर फूल में अगर हम ऊपर से मान लीजिए पानी देंगे, जैसे मैक्रो से, माइक्रोजेट से, स्प्रिंकलर से, तो फूल की जो गुणवत्ता है वो ख़राब होने का रहता है। तो फल जैसे सब्जियों में हम इसको माइक्रो और मैक्रो स्प्रिंकलर से भी हम सिंचाई कर सकते हैं, जबकि ड्रिप इरीगेशन जैसे अगर फ्लोरिकल्चर में हम ड्रिप इरीगेशन देते हैं तो वो भी हमारे कम पानी में अधिक पैदावार इससे हो सकती है। जी, यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों ही महत्वपूर्ण विषय पर, सूक्ष्म सिंचाई के बारे में और साथ ही साथ पोषक तत्वों के बारे में, यदि आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप नोट कीजिए हमारे नंबर, हमारा कोड है 0177, और हमारे नंबर्स हैं 2800177 और 2800178। आप सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप हमें कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञों से जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं इन विषयों के बारे में वो ले सकते हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पोषक तत्वों की भी हमने बात की, सर ने बहुत अच्छा सिंचाई के बारे में बताया कि किस तरह से जो है अलग अलग प्रणालियों से हम सिंचाई कर सकते हैं। उच्च पैदावार के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारी भूमि में किन पोषक तत्वों की कमी है, तो इस बात का पता जो है वो कृषक कैसे कर सकते हैं? जी, आपने ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रश्न किया है। तो
एक प्राथमिक तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो कि मुख्य पोषक तत्व हैं वो उनमें नाइट्रोजन, आपकी फास्फोरस, आपकी पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र को हम सेकेंडरी पोषक तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि आपका उसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें कि आपका आयरन, आपका जिसको हम लोहा बोलेंगे हिंदी में, जिंक, जस्ता, कॉपर और आपका मैंगनीज, ये आपका ज़्यादा इनका रोल जो है हिमाचल प्रदेश की जो भूमि है उन उसके मुताबिक इन जो मैंने पोषक तत्वों के नाम लिए हैं उनका बहुत रोल है। तो जहाँ तक पोषक तत्वों की उपलब्धता का सवाल है पौधे को, तो पौधे को जो उपलब्धता होगी वो एक बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि अगर उनकी मिट्टी के अंदर उनकी मात्रा, अगर जो उनकी उपलब्ध मात्रा है वो अगर उनकी पूरी तरह से वो उनका स्टेटस या उनका जो जैसे मैंने बोला कि उपलब्धता बिल्कुल ठीक है, तभी आपका पौधा जो है वो उनको प्राप्त कर सकेगा मिट्टी से। अब मिट्टी के अंदर जो एक क्या बोलते हैं आपका एक सबसे पहले बात आती है वो है कि आपका मिट्टी परीक्षण। तो मिट्टी परीक्षण जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको आपका इसका नाइट्रोजन का ही बोला कि नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है आपकी, आपकी पोटाश कितनी है। जैसे कि हम मोटे तौर पर ये बोल सकते हैं कि जो आपका आपका मध्यम पहाड़ी क्षेत्र है, मिड हिल जोन जिसको हम बोलते हैं, उससे लेकर काफ़ी जो आपकी हाई हिल्स हैं या उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो उसमें फास्फोरस की जो मात्रा है वो अधिक है जी। तो जैसे सेब के केस में ही हम बोलते हैं कि फास्फोरस की जो आपकी क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है या आपने खाद इस्तेमाल करनी है तो उसको आप करीब करीब 2 साल के बाद डाल लें, जबकि जो नाइट्रोजन है और पोटाश है इनको हमें हर साल डालना पड़ता है पौधे की अवस्था की या उसकी आवश्यकता के अनुसार। अब अगर हम क्या बोलते हैं सॉइल टेस्टिंग की बात करें या मिट्टी परीक्षण की बात करें, तो मिट्टी परीक्षण की जो विधि है वो आपकी फसल और क्या बोलते हैं उसकी किस्म के मुताबिक जो अलग अलग तरह से होता है। जैसे आपके आपकी फलदार पौधे हैं, फलदार पौधों में हम आम तौर पर जो है मिट्टी का जो सैंपल है या नमूना है वो हम क्या बोलते हैं आपके उसके बेसिन से या तौलिए से लेते हैं आम भाषा में, जबकि आपका जो क्या बोलते हैं सब्जी फसलें हैं या फील्ड क्रॉप्स हैं उनमें हम क्या बोलते हैं खेत के अंदर से सैंपल लेंगे जो चिन्हित पॉइंट होते हैं उनके, और हम एक आप कह लो कि एक प्रतिनिधित्व वाला एक सैंपल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि फलदार पौधे हैं तो हम एक खेत जिसमें कि एक प्रकार की मिट्टी है उसमें हम 5-1 पौधे जो हैं वो उनको चयनित करेंगे और फिर उनमें से एक एक जो है वो पौधे से हम सैंपल लेंगे और उसके बाद जो है उस मिट्टी को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम करीब कोई कह लीजिए आप 1.25 किलो या 1 किलो मिट्टी जो है उसको हम मिट्टी परीक्षण लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय नौणी में ये सेवा उपलब्ध है मिट्टी परीक्षण की, और कहीं और भी आप करवाना चाहें प्राइवेट भी अब कुछ लैब्स जो हैं वो भी आ गई हैं। तो क्या बोलते हैं अब मिट्टी परीक्षण का जो है आपका उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, वो इसलिए है कि जो पौधे को मतलब अल्टीमेटली या अंतिम वक्त में जो उसको पोषक तत्व की वो चाहिए एक उपलब्धता, वो मिट्टी पे ही डिपेंड करेगी। अगर वो मिट्टी से अपने पोषक तत्वों को नहीं ले पाता है तो फिर हमें उनको जो है फोलियर स्प्रे से या आप जो हम पत्तों के ऊपर जो उसका स्प्रे करेंगे उससे हम उसको कंपेंसेट करते हैं जो कमी रह जाती है। अब जहाँ तक उसके बाद आती है कि मान लीजिए कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं कई बार कि मान लीजिए मिट्टी परीक्षण आपने करवा लिया, आपकी मिट्टी के अंदर जो है वो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो आपको बिल्कुल मतलब जो ठीक कह सकते हैं जिसको आप मोटे तौर पे कि नहीं मिट्टी में मेरे पोषक तत्व जो हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है, तो उसमें जो उसको हम जो वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं उसको बोलते हैं हम प्लांट अपटेक, जिसमें कि पौधे ने मिट्टी से उनको उठाना है। तो या तो आपकी जड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है पत्ती विश्लेषण जिसको हम लीफ एनालिसिस बोलते हैं। तो पत्ती विश्लेषण के अंदर यही जो जिन पोषक तत्वों के मैंने नाम लिए आपके जैसे नाइट्रोजन है, आपका फास्फोरस है, आपका पोटाश है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और आपके जैसे जिंक है, आपकी बोरोन है, कॉपर है, मैंगनीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,
तो उनकी जो क्या बोलते हैं उपलब्धता पौधे के अंदर कितनी है वो आप पत्ती विश्लेषण से पता कर सकते हो। अब पत्ती विश्लेषण का जो आप जो है आगे जो है अपना एक रिलेशन निकाल सकते हैं सॉयल से कि क्या वो सॉयल से पौधा आपका ठीक तरह से उन पोषक तत्वों को ले पा रहा है या नहीं। पत्ती विश्लेषण की भी सुविधा आपकी ये जो बागवानी विभाग है उसके कोटखाई केंद्र में जो है वहाँ उपलब्ध है, हमारे मशोबरा केंद्र में भी विश्वविद्यालय के उपलब्ध है। तो इस तरह से जो है इन पोषक तत्वों को पहले तो आप जो एक एस्टीमेशन जिसको बोलेंगे कि हम किस तरह से उन पोषक तत्वों को जो है वो क्या बोलते हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूरी जैसे ये आपकी सरकारी सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम्स हैं उनमें हर पौधे की मिट्टी के बारे में आपको क्या बोलते हैं जानकारी मिलती है और उस हिसाब से उसमें अनुमोदित किया जाता है जो कि वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग इंचार्ज होंगे उस सेंटर के कि आपके पौधे में ये कमी है तो आपने इतनी खाद डालनी है। मोटे तौर पे अगर आपके मिट्टी के अंदर कमी पाई जाती है तो जो खाद की अनुमोदित क्या बोलते हैं आपकी मात्रा दी होती है विश्वविद्यालय द्वारा या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा तो आप जो है 25% ज़्यादा मात्रा आपको उसकी अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आपका मध्यम उसकी रीडिंग आती है तो जो भी अनुमोदित मात्रा आप यूज़ कर रहे हो उसी को यूज़ करें और अगर आपकी अधिक आ जाती है रेंज सफिशेंट रेंज आ जाती है तो आपको 25% जो है उसको कट डाउन करना पड़ता है, कम करना पड़ता है ताकि उसकी अधिकता ना हो, टॉक्सिसिटी ना हो मिट्टी के अंदर। तो ये एक मोटे तौर पे जो है मतलब एक सॉयल हेल्थ कार्ड में इसमें आपको हर एक पोषक तत्व की उपलब्धता के बारे में आपको लो मीडियम हाई कम ज़्यादा या मध्यम या सामान्य जिसको हम बोलेंगे वो जानकारी आपके पास आ जाती है और उसी हिसाब से हर पोषक तत्व के लिए अनुमोदन आता है कि आपने ये करना है और इसी प्रकार पत्ती विश्लेषण का होता है। तो इस तरह से जो है आप पहले मिट्टी परीक्षण द्वारा और पत्ती विश्लेषण द्वारा इस नतीजे पे पहुंच सकते हो कि मुझे जब अब खाद का चयन करना है या मैंने कौन सी खाद डालनी है किसी जैसे नाइट्रोजन के लिए आपकी यूरिया है या आप कोई कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज़ करते हो अब कैन मिलनी बंद हो गई है तो आप फिर चयनित कर सकते हो कि मुझे कितनी मात्रा डालनी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको फास्फोरस की उदाहरण दिया कि फास्फोरस खास करके फलदार पौधों में या आपके जैसे सेब ही है तो ये हमारे विश्वविद्यालय का अनुमोदन है कि आप 2 साल के बाद उस खाद का जो है इस्तेमाल करें जो आप सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ करते हो क्योंकि इससे आपकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और अगर फास्फोरस की आपकी टॉक्सिसिटी बढ़ती है मिट्टी के अंदर तो जिंक कॉपर वगैरह मैंगनीज वगैरह की माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या कमी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना है कि संतुलित प्रयोग करना अपने खादों का। अब होता क्या है कि वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में कई बार जो हैं किसान या बागवान जो हैं वो क्या बोलते हैं खादों का कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए ये आपसे हमारी बहुत गुजारिश है कि आप नियमित तौर पे या नियमित अंतराल पे आप जो है अपने जो है इनका फलदार पौधों का और सब्जियों का जो है विश्लेषण करवाएं। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं और देना चाहूँगा, जैसे आपके सेब की बात है या जो हमारे सब टेम्परेट जोन में या ये जो शीतोष्ण जोन है आपका हल्का उसमें जैसे आपका आपके खुरमानी वगैरह हैं, आपका एप्रिकॉट जिसको हम बोलते हैं, आपके आड़ू वगैरह हैं, स्टोन फ्रूट्स जिनको हम बोलते हैं, प्लम वगैरह हैं, उनमें हमेशा आपने जो है मिट्टी का परीक्षण जो है अक्टूबर के महीने में करना है जो कि अभी आने वाला है 1 महीने बाद क्योंकि अब आपकी फसल निकल चुकी है। तो जो मैंने आपको विधि बताई है उसके मुताबिक जो है वो आप मिट्टी का सैंपल लें और उसको टेस्टिंग के लिए कहीं पे भी जैसे नौणी विश्वविद्यालय है, पालमपुर विश्वविद्यालय है, जो भी आपको नज़दीक पड़ता है वहाँ आप उसका एनालिसिस कराते हो। टाइमिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पत्ती विश्लेषण के केस में हम जुलाई अगस्त में जो आपकी मिडल ग्रोथ होती है पत्तों की उनमें जो है 30-40 पत्ते जो हैं वो इकट्ठा करते हैं और फिर उनको हम जो है एक लिफाफे में पैक करके और थोड़ा सुखा के जो है आप जो है आप आगे पत्ती विश्लेषण के लिए भेज सकते हैं। जी, तो डॉक्टर प्रदीप आपका कहना है कि हम जो है पत्ती विश्लेषण और भूमि जो है जो सॉइल के माध्यम से जो है पता कर सकते हैं कि किन पोषक तत्वों की कमी है। डॉक्टर घनश्याम, आपसे अब जानना चाहेंगे कि सूक्ष्म सिंचाई के बारे में आपने हमें बताया कि किस तरह से अलग अलग तरीकों से हम सूक्ष्म सिंचाई कर सकते हैं। आज की अगर हम परिप्रेक्ष्य की बात करें, आज के समय की बात करें, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जल की उपलब्धता हर जगह पर नहीं है, तो सूक्ष्म सिंचाई की क्या उपयोगिता एवं क्या लाभ रहते हैं इसके बारे में अगर हम
देश भर के बारे में बात करें तो जो देश में भी हमारे सीमित जल संसाधन और भूमि संसाधन है, अगर आप विश्व से आज अगर हम इसका कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 18% है, जबकि हमारे पास जो अवेलेबल जो लैंड है, जो अवेलेबल भूभाग है वो केवल 2% है, और जबकि जो जो जल संसाधन है वो केवल 4% है। तो अब आप ये देखिए कि जो 18% जनसंख्या को अगर हमें उसके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए केवल हमारे पास 2% भूभाग है और 4% जल संसाधन है। तो इसी डाटा से आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो सीमित जो जल संसाधन और भूभाग है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर आपको फीड करना है तो आपको इसका काफ़ी एफिशिएंट मतलब यूटिलाइज करना होगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का अगर आप भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो 56 लाख हेक्टेयर के आसपास है यहाँ का, जिसमें से 6 लाख हेक्टेयर पे केवल ये खेती बाड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारा 37 लाख के आसपास तो फॉरेस्ट का जंगल है। तो जब 6 लाख में से भी अगर आप इरीगेशन की अगर आप बात करें तो जो सिंचाई की व्यवस्था है वो केवल 1,10,000 हेक्टेयर के आसपास ही हमारे पास, मतलब 20% से भी कम क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है। उसका केवल और केवल एकमात्र कारण ये है कि जल की अनुपलब्धता, कि जल नहीं होने की वजह से हम हर जगह पे हमारी बाकी 80% जो भूभाग है वो टोटली हमारा जो है बारिश पे निर्धारित है। तो इसलिए अगर हम ये चाहेंगे कि जो जहाँ पे हमारा जो जिस क्षेत्र में हमारे पास इरीगेशन की और सिंचाई की आवश्यकता है वहाँ से अगर उस पानी को अगर हम बचा करके, और जो हमारा रेन फेड एरिया है जहाँ पे बारिश से ही केवल खेती बाड़ी होती है, और जो कि 3-4 आपको पता है कि हिमाचल में 3-4 महीने जब भी आपका जुलाई से लेके सितंबर तक जब बारिश होती है तो यहाँ की जो अगर आप वार्षिक बारिश की बात करेंगे तो 1100 मिलीमीटर 1100 मिलीमीटर के आसपास है, जिसमें से 75 से 80% जो बारिश है वो 3-4 महीने में मिलती है, बाकी के जो 8 महीने हैं वहाँ पर केवल हमारी 20% जो है बारिश होती है। तो उसे एक और नुकसान है कि जो अगर उस बारिश के पानी को आप स्टोर नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे, तो वहाँ पे हमारा जो सोइल इरोजन की परेशानी भी होती है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि अगर जैसे जैसे आपकी मृदा अगर ऊपर की पानी के साथ चली जाएगी तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी उसके साथ बह के चले जाएंगे, तो हमारी जो भूमि की जो मृदा है उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर भी एडवर्स, उस पर भी मतलब नेगेटिव असर पड़ता है। तो क्यों ना हम उस पानी को कहीं स्टोर करके और संचित करके हम इसको ड्रिप इरीगेशन में या और किसी जैसे स्प्रिंकलर इरीगेशन के थ्रू हम इसको यूज करें। ड्रिप इरीगेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है कि आपके पास अश्योर्ड जो है इरीगेशन पानी की मतलब उपलब्धता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बारिश के पानी को भी स्टोर करके जो भी हमारे RCC के टैंक हैं या जो LTP के फार्म पॉन्ड हैं उनमें हम स्टोर कर सकते हैं और वहाँ पे फिर हम इस सूक्ष्म सिंचाई को जो है काम में ले सकते हैं। और अगर आप दूसरी जो सिंचाई की पद्धतियाँ जो परंपरागत, अगर आप उनसे सीधे से तौर पर कहेंगे कि एक स्रोत है, जैसे मान लीजिए वहाँ से आप 1000 लीटर अगर पानी वहाँ से आप खेत के लिए देते हैं, तो जो परंपरागत स्रोत है उसमें क्योंकि पानी जो है भूमि के जो ये मिट्टी के आपके नालियां बनी होती है उनके थ्रू आपको लाना होता है, तो वहाँ फील्ड में अल्टीमेटली 1000 लीटर में से आपका मुश्किल से 300 से 350 लीटर पानी जो है खेत तक पहुँच पाता है। अगर हम उस सूक्ष्म सिंचाई की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पूरा जो है पाइप का नेटवर्क होता है, तो पाइप के नेटवर्क के थ्रू जब पानी जाता है तो इसमें कोई रिझाव की जो भूमि के अंदर जाने की कोई वो संभावना ही नहीं रहती है। तो अगर आप 1000 लीटर पानी अगर आप स्रोत से छोड़ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको 950 लीटर पानी जो है आप खेत को दे सकते हैं, जिसको कि हम इसको पानी की जो दक्षता भी बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, तो वो हम कहते हैं कि जो सरफेस इरीगेशन में हमारी 30 से 35% होती है और यहाँ जो है 90 से 95%। तो यहाँ पर हम एक पानी को काफ़ी हद तक मतलब इसका हम रोक सकते हैं। और आपने तो ये तो आपने जो उपयोगिता वाली बात की तो आप इस परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि इस सूक्ष्म सिंचाई की क्या उपयोगिता है। अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ में सबसे पहले तो जो फसल की जो पैदावार है वो हमारी बढ़ती है, क्योंकि जो भी अगर हम रेन फेड या बारिश पर आधारित फसलें होती है वो साल में एक ही बार हम वहाँ ले सकते हैं और उसकी उपज भी हम टोटली बारिश पर हम आधारित होते हैं। इसमें हम जब चाहें, अगर हमारे पास स्टोर्ड वाटर सप्लाई है तो जब चाहें, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन अगर हमने इरीगेशन देनी है, 2 दिन से देनी है, 3 दिन से, तो उस तरह से हम इरीगेशन सेटिंग, जैसे आपने नाम भी सुना होगा प्रिसीजन फार्मिंग, एक आजकल नया कंसेप्ट चला हुआ है जिसमें 4 R बोलते हैं, 4 Rights, तो राइट टाइम, राइट क्वान्टिटी, राइट प्लेस, राइट मैथड। तो उसमें जो एक माइक्रो इरीगेशन बड़ा आपका फिट होता है कि हमें कितना, किस समय पे, कितना, कहाँ पे और कैसे देना है।
तो इसका अगर आप देखें तो माइक्रो इरीगेशन एक किसका मेथड हो गया, किस जगह देना है, ये अपने आप रूट जोन के पास जाता है और इससे हम इसकी क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं कि कितना पानी देना है। अगर मान लीजिए वीक में हमें 2 बार इरीगेशन देनी है तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने हर दिन बारिश हर दिन इरीगेशन देनी है तो उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम रहेगी। तो कितना देना है, कब देना है, क्या देना है। और रही बात जो परंपरागत स्रोत में क्या होता है कि जो रूट जोन डेप्थ, जैसे मान लीजिए हमारे पौधे की, जैसे वेजिटेबल की अगर हम बात करते हैं, 30-40 सेंटीमीटर तक होती है। तो जो भी जो ये प्लांट है जब ग्रोथ के टाइम में जो भी ये पानी यूज करता है, या 30-40 सेंटीमीटर के नीचे पानी यूज ही नहीं करता, ये इसी में जो पानी स्टोर होता है इरीगेशन के टाइम वही ये यूज करता है। जबकि परंपरागत में जो होती है, जैसे बारिश हो गई या कन्वेंशनल इरीगेशन में जो भी हम इरीगेशन दे रहे हैं उसमें 30-40 सेंटीमीटर के नीचे भी जो है पानी चला जाता है। तो ये पानी वैसे तो हालांकि भूमि का जो जल स्तर है उसको तो बढ़ाता है, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये नुकसान है, पर अगर हम इरिगेशन की और केवल सिंचाई की बात कर रहे हैं तो ये सिंचाई जल की तो अपव्ययता या हानि है, पर जल स्तर तो हालांकि भूमि का ये बढ़ा रहा है। तो ये भी नहीं है कि, लेकिन हम यहाँ पे अगर इरिगेशन की बात कर रहे हैं, सिंचाई जल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये एक तरह से नुकसान है। लेकिन ऐसी सिचुएशन ड्रिप में हम नहीं देते हैं, क्योंकि ड्रिप में जैसे भी जितना पानी, जैसे ही ये मान लीजिए नीचे गिर के इसका 50% रूट जोन डेप्थ में होता है तभी हम इरिगेशन इसमें, क्योंकि इसकी इरिगेशन हमारे कंट्रोल में होती है, हमारे अपने हाथ में होती है। और कन्वेंशनल इरीगेशन, इसीलिए कन्वेंशनल इरीगेशन में पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि किस तरह से सिर्फ कुछ एक मात्रा में ही जो है हमें इरीगेशन की सिंचाई की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा जो है पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों के साथ जुड़ सकते हैं। आप नोट कीजिए हमारे नंबर्स, हमारा कोड है 0177 और हमारे नंबर्स हैं 2800177 और 2800178। डॉक्टर प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने पोषक तत्वों की बात की, हमें बताया कि किस तरह से जो है हम पता लगा सकते हैं कि किन चीज़ों की कमी जो है हमारी फसल में आ रही है, बहुत सारे आपने हमें तरीके बताए, सॉयल के थ्रू भी हम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम पत्तों के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से डॉक्टर घनश्याम ने हमें जो है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बारे में बताया, ये किस तरह से अपनी एक अहम भूमिका निभाती है पोषक तत्वों को बढ़ाने में। ये भी एक आप कह सकते हो कि इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, या ये इसका एक एडिड एडवांटेज है जो कि आपको, जिसमें कि सूक्ष्म सिंचाई या जिसके ऊपर ये ड्रिप की बात कर रहे हैं या जिसको हम टपक सिंचाई बोलते हैं, या आप अखबारों में पढ़ते हो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, तो उससे जो हम एक क्या बोलते हैं, एक फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना जी। जैसे हम क्या बोलते हैं, आपका जनरली क्या करते हैं हम खादों की बात हो रही थी अब, क्योंकि जब मैंने अपनी बात अभी आपसे करी थी तो खादों की जनरली हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक परंपरागत सिस्टम है, जैसे कि अभी आपकी सिंचाई की भी बात हो रही थी कि हम सतही सिंचाई करते हैं या फुहारे से सिंचाई करते हैं, और जहाँ हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य होते हैं उनमें तो वैसे ही जल का अभाव है, ठीक है ना जी। तो वहाँ पे ये जो आपका माइक्रो इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, या ज़्यादा आपका जो है वो आपको इससे फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसी तरह से जहाँ तक खादों को प्रयोग करने की बात है, तो आज तक जो हमारे किसान बागवान हैं उनमें से अधिकांश जो हैं वो उसकी जो है सीधा मिट्टी में उसको जो है वो उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना जी। जैसे कि आपको ठोस आपको खादें मिलती हैं, ठीक है ना जी, जिसमें कि आपकी पाउडर्ड फॉर्म भी होगी, ग्रैनुलर फॉर्म भी होगी, जैसे आपके स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है ना जी, आपके जिनमें कि एक ही न्यूट्रिएंट होता है, जैसे आपका नाइट्रोजन के लिए यूरिया है, ठीक है ना जी, उसके बाद फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट है, आपके लिए पोटाश के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश है, ठीक है ना जी। ये तीन जो खाद्य हैं ये मुख्यतः या मुख्य तौर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में यूज़ होती हैं और सारे देश में भी यूज़ होती हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ पॉलीफीड्स भी आपको मिलती हैं, ठीक है ना जी, और उनमें आपके तीनों जो हैं वो इकट्ठे पाए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, तो उनको हम कई बार कम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं, या संयुक्त प्रकार के, जिनमें कि हमें दो या दो से अधिक जो आपके पोषक तत्व हैं वो एट ए टाइम हमें मिलते हैं, ठीक है ना जी। तो जो एक परंपरागत सिस्टम है जिसका मैंने आपसे जिक्र करा कि उसमें हम जो है मिट्टी के अंदर उसका सीधा प्रयोग करते हैं, ठीक है ना जी, जैसे कि छट्टे के तौर पे जिसको ब्रॉडकास्ट भी बोलते हैं आप, ठीक है ना जी, या हम मिट्टी में उसको मिक्स करते हैं, नालियां बना के देते हैं आपके फलदार पौधों में, ठीक है ना जी। तो
इन जो ये पद्धतियां हैं आपकी परंपरागत पद्धतियां, इनमें भी जो है जिस तरह से ये पानी का आपसे अभी ड्रिप की बात हो रही थी कि पानी के लॉसेज हैं परंपरागत सिंचाई विधियों से, आपका कहने का हम यही कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म प्रणाली है, जिस तरह की डॉक्टर घनश्याम ने भी कहा कि हमें ड्रिप प्रणाली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, उसी से हमें लाभ मिल सकता है। आज कार्यक्रम में हम यहीं पर अपनी बातचीत को रोकना चाहेंगे। आप दोनों कार्यक्रम में आए इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कृषक भाई बहनों को हमारे विशेषज्ञों से मिली जानकारी से बहुत लाभ प्राप्त होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।